हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे ये मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। और आज की इस वीडियो में खास बात ये है कि आज मैंने पहनी है राज की शर्ट। जी हाँ, आज मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट पहनी हुई है। एक्चुअली आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। इसकी रिक्वेस्ट मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो ऐसा ही कुछ मैं एक्चुअली करना भी चाहती थी काफ़ी टाइम से। तो बस आज मैं ये वीडियो आप ही के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। तो गाइज, आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और गाइज, मुझे बताइएगा कि कौन कौन कभी कभी पहनता है अपने हस्बैंड की शर्ट को, क्योंकि मैं कभी कभी पहन लेती हूँ राज की शर्ट या टी शर्ट को। हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ, टी शर्ट वगैरह ज़रूर पहन लेती हूँ। और अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो बताइएगा मुझे कॉमेंट में। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि विंटर्स है और विंटर्स में तो वैसे भी मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेकअप से पहले भी स्किन को तैयार करना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपका मेकअप जो है और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और आज की जो मेकअप लुक मैं करने जा रही हूँ गाइस, वो मैं स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन की हेल्प से करूँगी। तो ये देखिए, ये है स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन, और इसे मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है। मैं इसी की हेल्प से आज का मेकअप ये करने जा रही हूँ। तो इसे मैं पूरे फेस पर इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी एक ग्लो आ गई है फेस पर। और इसका रिव्यू गाइस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को। तो ये देखिए, मैंने फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे थोड़ा सा सेट कर लूँगी। वैसे तो विंटर्स है गाइस, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा इसे सेट करने के लिए मैं इसे ज़रूर अप्लाई करूँगी। और बहुत ही कम क्वान्टिटी में लगा रही हूँ मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज के गैप को फिल कर लिया है। नेक्स्ट मैं ये हिलेरी रूहुडा के आई शेडो पैलेट से ट्रांजिशन कलर लूंगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताने जा रही हूँ। जैसा कि सेम शर्ट मैंने पहनी हुई है, अगर आपके पास भी सेम कलर की अगर कोई ड्रेस है और आपके पास अगर सेम आई शेडो नहीं है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लू कलर का शेड लूँगी और इसे अपने आउटर वी पर इस तरीके से लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसे आगे की तरफ नहीं लेकर आऊँगी, मैं इसे सिर्फ आउटर वी पर ही ब्लेंड करूँगी इस तरीके से। नेक्स्ट मैं ये हिलेरी रूहुडा के पैलेट से टर्कोइज ग्रीन कलर ले रही हूँ, तो इसे भी मैं इस तरीके से सेम शेड के ऊपर ही अप्लाई करना है आपने इसे। तो इस तरीके से मैं लगा लूँगी और इसे वहीं पर ब्लेंड कर लूँगी। तो इसमें ट्रिक गाइस ये है कि आप देख सकते हैं, हिलेरी रूहुडा के ही सेम पैलेट से मैं पर्पल कलर का शेड लूँगी और इसे फिंगर की हेल्प से इसी शेड के ऊपर लगा लूँगी। इसे मैं आउटर वी पर ही लगाऊंगी इस तरीके से फिंगर की हेल्प से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है गाइस, और कितनी अच्छी लग रही है ये शेड, और सेम शेड आ गई है मेरी ड्रेस से मैच करती हुई आई शेडो की। और इसे मैं थोड़ा सा जस्ट ब्लेंड कर लूँगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइस, आप भी इसे एक बार ज़रूर आजमाइएगा। और अब मैं मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर की शेड लूँगी और इसे भी मैं आउटर वी पर इस तरीके से प्लेस करते हुए लगा लूँगी, ताकि मेरा जो शेड है वो थोड़ा और डार्क लगे। तो इस तरीके से मैंने इसे ब्लेंड कर लूँगी। और एक बार और मैं ये टर्कोइज ग्रीन कलर लूँगी और पर्पल कलर दोनों को मिक्स करते हुए उसी सेम शेड के ऊपर मैं इसे लगा लूँगी, पर्पल और ब्लू कलर के शेड को मिक्स करते हुए, और इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट है, ये शिमर आई शेडो पैलेट है, और इसमें मैं ये ग्रीन कलर आप देख सकते हैं सेम शेड लूँगी और इस तरीके से मैं इनर कॉर्नर्स में कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से, क्योंकि मुझे यहाँ पर शिमर आई शेडो अप्लाई करना है, ताकि मेरा जो आई शेडो है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे और उसका कलर भी अच्छा दिखे। तो ये देखिए, मैं टर्कोइज ग्रीन कलर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से, ये शिमर आई शेडो पैलेट है, और इसे मैं फिंगर की हेल्प से उसी कंसीलर के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आईज। और ये नेक्स्ट मैंने लाइट ब्लू कलर का शेड लिया है, उसी सेम शेड के ऊपर अप्लाई कर लूँगी मैं, और अब मैं स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ADS की आईलाइनर। इसका रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो मैं यहाँ पर
एक बड़ा सा विंग आईलाइनर बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है और अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैं आईलैशेस कर्लर की हेल्प से अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा। और अब मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश। और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। और मैं ये डार्क मैरून कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ यहाँ पर। ये है किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक। और अब मैं लोअर लैश लाइन पर भी सेम ब्लू कलर का शेड अप्लाई करूँगी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मेबलिन की काजल, ताकि जो मेरी आईज़ है वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो यहाँ पर मैंने ऑफ कैमरा अपनी फेक आईलैशेस लगा ली थी। सो गाइस ये है मेरी फाइनल लुक। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, हिना पैक, हेयर वॉश एंड डंक वीडियो शेयर की हुई है। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये चैलेंजिंग वीडियो कैसा लगा।